सभी का एक बार फिर से स्वागत है, सभी को नमस्ते। तो करुणा दीदी की शेयरिंग से हम हिंदी से तो शुरू करते हैं और उसके बाद जिसमें दीदी की शेयरिंग रहेगी। जी करुणा दीदी, आप सुन पा रहे हैं? अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, जी मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपका परिचय रख देती हूँ। जी करुणा दीदी अरुणा दीदी की बड़ी बहन है और UHV परिवार से, जो परिवारों का फैलाव है उसी का एक उदाहरण है। दीदी के पति ओंकार सिंह जी और बेटी गुंजन जी एंड रंजन जी हैं। तो दीदी की ये तीसरी शेयरिंग है और दीदी वास्तविकताओं को सीखने समझने के काम में लगी हुई है। तो मैं दीदी से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी अपनी बात को रखें। जी जी दीदी नमस्ते। जी कुमार नम भैया सभी को नमस्ते, सभी साथियों को। जी दीदी, मैं अपना संक्षिप्त परिचय रखती हूँ। जी मैं करुणा सिंह चौहान, छतरपुर मध्य प्रदेश में परिवार सहित रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति जो SDO फॉरेस्ट थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, साथ में रहते हैं। मेरी दो बेटियां हैं, गुंजन चौहान इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बॉम्बे में रहती है। उसका एक बेटा है, 8 साल का है, अक्षम्या। और मेरी छोटी बेटी इंदौर में रहती है, वो ओरल सर्जन है। उसका एक बेटा है, 6 साल का, और बेटी गर्विता भी 5 महीने की है। मेरे साथ बचपन से ही मेरे भाई की बेटी रहती है, साक्षी, तो लॉ की पढ़ाई कर रही है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इस तरह से हम लोग अभी 3 लोग ही हैं, लेकिन अभी गर्मियों की छुट्टी में सभी आ जाते हैं। UHV कंटेंट से जुड़ने समझने में मेरा सहयोग करने का श्रेय मैं अपनी छोटी बहन अरुणा परमार को, बकुमर साहब भगवान सिंह जी को देती हूँ कि मैं उनके ही प्रयास से इससे जुड़ पाई हूँ। और अब मुझे ये ऐसा लगने लगा है कि मेरी ही आवश्यकता बन गया है, क्योंकि मैं सुबह से, जब से उठ के, और सुबह का सत्र जैसे ही शुरू होता है तो मैं अनुकूलता के साथ ही सत्र को अटेंड करती हूँ। क्योंकि अभी तक तो 2 सत्र में मैं सुनती थी तो सुनने में ही सारी चीजें मेरी थी, लेकिन मैं इस बार बता सकती हूँ कि मेरी समझ भी स्पष्ट हो रही है। मैं स्वयं के समझने के लिए, अपने विकास के लिए ही यह सत्र कर रही हूँ। और कुमार भैया की बातों को मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मूल चाहना तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की ही है, और मैं पहले से और ज्यादा सजग, सहज और सरल हो रही हूँ। मूल चाहना तो अभी संबंध व्यवस्था और सहजित्व को देखना ही है, लेकिन इससे पहले मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि इस ओर मेरा ध्यान जाए। मैं तो पूजा पाठ से जुड़ी हुई थी, अध्यात्म, ब्रह्म कुमारी से भी, तो मैं आत्मा तो समझ रही थी, लेकिन शरीर और जीवन को अलग अलग नहीं देख पाती थी। लेकिन अभी इस प्रस्ताव से जुड़ने के बाद हमें समझ में आया है कि हम कुछ साथ, जो कुछ भी करना है स्वयं के लिए ही करना है। तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरे अंदर ही सब कुछ है, ऐसा मुझे महसूस होता है। कि और समय की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब अंदर ही देखना है तो समय की तो कोई कमी नहीं दिखती है। ये बात जरूर है कि अभी तक का समय तो मैं बाहर के लोगों से, बाहर की चीजों से ही ज्यादा प्रभावित होती थी और देखती थी, तो वो मेरा निरर्थक ही था। लेकिन अभी जो हमारी समझ बनी है कि हमको अपने आप में ही काम करना है, सेल्फ डेवलपमेंट, इसके बाद ही मैं, जब मैं समझ पाऊंगी तो फिर मैं टीम डेवलपमेंट या सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचूंगी। तो अभी तो मेरा पूरा प्रयास अपने ऊपर ही काम करने का है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ, अब मैं अपने समय का भी सदुपयोग कर पाती हूँ, और अपनी सहस्वीकृति इच्छा विचार आशा के आधार पर भी अपना मूल्यांकन भी करती हूँ। साथ ही मैं ये भी देख पाती हूँ कि मेरा जो समय था जिसको मैं बाहर निकालती थी, और मेरा स्वास्थ्य भी इस समय कुछ गड़बड़ था। मैं इस बार की शेयरिंग बहुत अच्छी करनी चाहती थी, लेकिन एक हफ्ते से हम लोग परिवार में ही, शादी या संबंधों के साथ में 7 दिन से बराबर उसमें प्रभावित, तो मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा इस समय ठीक नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ तो मुझे समझ में आया कि ये मानव को समझना, मानव परंपरा को बढ़ाना है। तो जब मानव को मैं समझने जाती हूँ तो ये दिखता है कि मानव जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में, ये दोनों अलग अलग तरह की वास्तविकता है। जीवन की आवश्यकता अलग है, जीवन सुख, स्वभाव, सम्मान, विश्वास और प्यार की निरंतरता है जीवन में, और शरीर की आवश्यकता अलग है।
शरीर सामायिक है, उसमें खाना कपड़ा मकान आवश्यकता है उसकी। तो जब मैं दोनों की आवश्यकताओं को देखती हूँ तो उसके अंतर को भी देख पाती हूँ, और इस तरह से मैं अभ्यास एक में स्वयं से स्वयं को देखने का हर क्षण प्रयास करती हूँ। मैं हर क्षण सजग रहते हुए अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखे, कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास करती हूँ, बिना बोले बिना प्रक्रिया किए हुए। तो मैं देखती हूँ जैसा है वैसा ही देखना है, तो कल्पनाशीलता तो निरंतर चलती है, अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। अब जब हमारा ध्यान जाने लगा है तो मैं उसको देखने का प्रयास करती हूँ और समझ भी पा रही हूँ। स्टेप टू में कल्पनाशीलता में जो भाव विचार चल रहे हैं आपको सहज स्वीकार है या नहीं, तो हमें तो सुख का भाव सहज भाव ही सहज स्वीकार है। इस स्टेप के साथ ही मैं स्टेप थ्री को भी देखने का प्रयास करती हूँ। इस क्षण जो भाव विचार चल रहा है, इस भाव के साथ मैं आराम में हूँ, संगीत में हूँ, सुखी हूँ। तो जब मेरे साथ मेरे अंदर सुख का भाव या संबंध का भाव, स्नेह का भाव होता है, मैं सहज होती हूँ, तो मैं सुखी महसूस करती हूँ, आराम में भी रहती हूँ और संगीत में भी रहती हूँ। और जब विरोध का भाव आता है तो मैं थोड़ी असहज होती हूँ, लेकिन इस कंटेंट से जुड़ने के बाद मैं अपने विरोध के भाव को देख भी पाती हूँ और उससे जल्दी निकलने का प्रयास भी करती हूँ। स्टेप फोर में इस क्षण मुझ में कौन सा भाव चल रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये स्टेप तो मुझे स्पष्ट भी हुआ है कि निर्णय तो मेरा ही है, और जब निर्णय मेरा है तो मैं अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार भी हूँ। और ऐसा मैं देखती हूँ कि जब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, इसकी स्पष्टता मेरे अंदर बनती है, तो जो दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति के कारण मैं किसी को दोषारोपण करती थी या शिकायत करती थी, तो उससे भी मैं मुक्त होती हूँ और अपने परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए तत्परता से आगे भी बढ़ पाती हूँ। स्टेप फोर के साथ ही मैं जब स्टेप फाइव को देखती हूँ, इस क्षण जो भाव विचार मुझ में चल रहा है उसका निर्णय लेती हूँ, निर्णय किस आधार पर लेती हूँ, मान्यता या सही समझ के आधार पर? तो जब मैं देखती हूँ कि अभी तक तो मैं मान्यता के आधार पे ही निर्णय लेती थी, क्योंकि कोई प्रस्ताव ही नहीं था ना, मेरी जो समझ थी मान्यता और संस्कारों के बीच में ही, परिवेश में ही मेरा पालन पोषण भी हुआ था, तो हमको तो वही सब ठीक लगता था। तो कभी कभी उसमें गलती भी होती थी और दुखी भी होते थे, निर्णय लेने के बाद भी लगता था कि ये निर्णय तो सही नहीं है, लेकिन समझ तब उस ओर ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अब जब से मैं इस कंटेंट से जुड़ी हूँ तो मैं सही समझ और सही सहज भाव के आधार पर जब मैं निर्णय करती तो उसमें मैं सुखी होती हूँ और मतलब मन को प्रसन्नता भी होती है। तो स्टेप फाइव के साथ ही जब मैं स्टेप सेवन को देखती हूँ तो संबंध व्यवस्था और सहित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। इसलिए संबंध व्यवस्था और सहित्व को संपूर्णता में समझने का प्रयास करती हूँ, और यही मेरी मूलभूत आवश्यकता भी है। क्योंकि संबंध व्यवस्था, पहले तो मैं कहने में ही सोचती थी, संबंध का भाव तो समझती ही थी, ऐसा नहीं है, परिवार में समाज में हर जगह संबंध का भाव होता है, और अच्छे से जब संबंध होते हैं तो आदमी उसमें सुख की अनुभूति भी करता है, आराम में भी रहता है, सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार के अभ्यास सत्र से मेरी स्पष्टता भी बन रही है, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती हूँ कि सारे स्टेप मुझे मतलब या वो हो गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन हाँ मेरी कुछ स्पष्टता तो बनी है। स्टेप फोर तो मेरा पूरी तरह से निर्णय पर तो मैं सही ही मान रही हूँ, इसका आदर्श मैं अपने पति को भी मानती हूँ, क्योंकि उनके निर्णय बहुत फास्ट होते हैं और सही करते हैं, वो ज्यादा उसमें सोच विचार नहीं करते हैं, तो निर्णय की क्षमता तो उनकी देखते हुए मैं पहले से भी लेती थी, लेकिन इस कंटेंट से जुड़ने के बाद मेरे निर्णय की क्षमता बढ़ी है। मैं सजगता के साथ सहज भाव के साथ ही निर्णय करती हूँ, और स्टेप सिक्स के साथ साथ ही मैं जब स्टेप सेवन में देखती हूँ, संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझती हूँ, यह मेरी आवश्यकता है, इसके लिए मेरा संकल्प भी बना है और इसकी निरंतरता को मैं बनाए भी रखना चाहती हूँ। तो अभी तक मैं अभ्यास एक में जो मेरी समझ बनी है, तो मैं बता सकती हूँ कि सजग मैं पहले से ज्यादा सजग रहती हूँ, सही समझ सहज भाव के अर्थ में ही सारा काम करना चाहती हूँ, और मैं उसके साथ ही मतलब स्टेप से अभ्यास
अभ्यास दो को भी देख रही हूँ, मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना। तो जब मैं शरीर, अभी तक तो मैं शरीर और जीवन को अलग ही नहीं देख पाती थी, लेकिन जिस जिस तरह से इस कंटेंट को समझने के बाद मेरी समझ बढ़ी है, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं और शरीर ये दोनों अलग अलग तरह के वास्तविकता है, दोनों की आवश्यकता भी अलग है। शरीर सामायिक है, जीवन निरंतर है। जब मैं शरीर में होने वाली क्रिया को देखती हूँ, तो मतलब मेरे मेरे मुझे समझ में आता है कि भोजन का पचना, सांस चलना, या बैठे हुए झुनझुनी चलना, पैरों में झुनझुनी जो होती है उसको भी मैं देख पाती हूँ। तो मैं दोनों के अंतर को भी समझती हूँ। तो स्टेप 1 में जैसे ही मैं इस अंतर को देखती हूँ, तो मैं स्टेप 2 में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और किसी भौतिक रासायनिक वस्तु का नहीं, तो ये भी समझ में आता है। स्टेप 3, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेती हूँ। तो जिस तरह से स्टेप 1 में मैं स्टेप 4 को निर्णय का की बात है, तो निर्णय की स्पष्टता तो मेरी अभ्यास 1 में भी बनी है और अभ्यास 2 में भी। निर्णय मैं ही लेती हूँ, जैसे मौसम का चेंज होना, तो जो सूचना आती है उसको मैं पढ़ती हूँ, और जैसे गर्मी का मौसम है इस समय, तो लू से कैसे बचना है, या बाहर निकलने से पहले पानी पी के निकलना है, तरल पदार्थ पीना है, और कूलर पंखा को सबको ठीक रखना है, घर में पर्दे भी मोटे डालना है, ये सारी व्यवस्थाएं मैं करती हूँ। तो मैं समझ पाती हूँ कि निर्णय का तो क्षमता मेरी ही, निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। स्टेप 3 को देखते हुए मैं स्टेप 4 में जब देखती हूँ कि मैं संवेदना हूँ या मेरे संवेदना के बीच दूरी है, ये मैं समझने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि संवेदना शरीर में होती है और देखने वाली मैं ही। तो कई बार मैं किचन में जब काम करती रहती हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब जल्दी है किसी बात की, जल्दी किसी को कहीं जाना है, कभी कभी मेरा हाथ अचानक टच हो जाता है, जैसे कढ़ाई में कभी, तो उस समय मैं उसको नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा काम खत्म होता है और मैं आराम में बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरा तो हाथ जल गया है। तो संवेदना तो शरीर में होती है, और जब आवश्यकता समझती हूँ, उसी संवेदना को मैं पढ़ भी पाती हूँ और पढ़ती भी हूँ। तो स्टेप 4 इस तरह से हमें समझ आया है। स्टेप 5 में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह। तो मैं समझ रही हूँ कि जितनी मेरी समझ बनी है, उतना निर्वाह तो मुझे सुखी कर रहा है, और जहाँ समझ का अभाव है वहाँ अभी भी मैं दुखी होती हूँ। तो इसमें हमको अभी काम करने की आवश्यकता है, और इन अभ्यासों को करते हुए ये तो मुझे अच्छे से समझ में आया है कि जल्दीबाजी का तो कोई काम ही नहीं है, इसमें समय लगेगा, और ये बहुत गहराई से समझने की चीज है। इसको इतने जल्दी से हम कह दें कि हमको सब कुछ समझ में आ गया है, तो नहीं। हाँ, थोड़े अभी जो हम सिर्फ सुनते थे बातों में, ऐसा लगता था जब मैं अभ्यास सत्र चलता है उस समय, तो हमको सब चीज बहुत ही सहज लगती थी कि सब हमको समझ में आ रहा है, और कई बार प्रश्न भी लोग पूछते थे, तो उससे मेरा जो समस्या भी होती थी समाधान होता था उसका, और सब चीज सब, लेकिन वो बातों में थी। इस बार मैं समझ रही हूँ कि हाँ, हमारी स्पष्टता बन रही है, क्योंकि रात में सोते सोते जब मेरी नींद खुल जाती है, तो पूरे पॉइंट मेरे दिमाग में चलते रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि अब मेरी समझ बन रही है। अब मैं जब स्टेप 6 को देखती हूँ, तो स्वतंत्रता और परतंत्रता पर ध्यान जाने लगा है। मैं समझ रही हूँ कि सही समझ, सहज भाव ही स्वतंत्रता है, और स्वभाव में रहना है। जब मैं अपने स्वभाव में रहती हूँ, तो मेरे अंदर जो चलता है, तो वो तो सब कुछ ही सही होता है। जब मैं बाहर की चीजों से प्रभावित होती हूँ, और समझ के अभाव में बाहर जो सुख खोजने का सोचते हैं, दूसरों से सम्मान पाने की अपेक्षा रखते हैं, वही परतंत्रता है। इतनी समझ मेरी इस 6 पॉइंट में भी बनी है। स्टेप 7 में मेरा होना शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, शरीर का होना भी शून्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है। आवश्यकता अनुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान शून्य के माध्यम से करती हूँ। तो मेरे लिए शरीर एक उपयोगी साधन है। तो जितना मुझे अपने जीवन को जागृत करने के लिए, चैतन्य के लिए काम करना, अभी तक तो मैं शरीर समझ के ही करती थी, लेकिन उतना ही शरीर के लिए भी संरक्षण और पोषण की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऐसा समझ में आता है
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और परस्परता में ही काम करते हैं। तो इसलिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, और शरीर के बिना जीवन, ये पहचान तो मेरी खत्म ही हो जाएगी, जीवन भी हमें कोई अस्तित्व उसका भी नहीं दिखता, जबकि वो तो निरंतर ही है, लेकिन इस शरीर से तो मेरे कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसा मेरा दोनों अभ्यासों करते हुए समझ बनी है, और मैं आगे जो कमिटमेंट है या जो आगे की पॉइंट है उसमें मैं देखना चाहती हूँ कि सुख स्वभाव है प्रभाव है, इन बिंदुओं पर मेरी क्या स्पष्टता बनी है। तो मैं इतना समझ पाई हूँ कि सुख स्वभाव है, सुख का स्रोत तो मेरे अंदर ही है, सुख निरंतर है और प्रभाव बाहर से मिलने वाला है जो कि क्षणिक होता है, इसलिए मैं सुख स्वभाव है इसी को सही मानती हूँ। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। अब जो भी मैं कार्यक्रम करती हूँ तो सुख स्वभाव है इसी के आधार पर करती हूँ, हमेशा सजग रहना है, सही समझ और सहज भाव के साथ ही काम करना है, ये मेरा स्वभाव बन गया है। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसका स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये मतलब मैं इसको सुख स्वभाव के रूप में ही मानती हूँ और सब इसी को सुनिश्चित करने के लिए मेरा कार्यक्रम ही रहता है। हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव, संवेदना व भाव को जुटाने के अर्थ में है, तो मैं देखती हूँ कि अभी तक तो शरीर मान की जब जीते थे तो संवेदना और को और अनुकूलता को देखकर ही मैं कार्य करती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक अवसर ही मुझे दिखता है, क्योंकि इस बीच मेरे परिवार में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसके कारण हमको ये तो समझ में आ गया है कि चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, लेकिन अगर आदमी सही समझ और सहज भाव में रहता है और संबंध के भाव में रहता है तो सारी परिस्थितियों से वो बाहर निकल पाता। तो मैं अब तो जितना भी कार्यक्रम हमारा है तो मैं चैतन्य के अर्थ में ही लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का तो बहुत समय निकल ही चुका है, ये भी मैं समझती ही हूँ। मैं चैतन्य के अर्थ में जो कार्यक्रम है उसमें कितना मान्यता संवेदना पर आधारित है और कितना सहज स्वीकारिता पर आधारित है। तो अभी तक का कार्यक्रम मैं कह सकती हूँ कि मान्यता और संवेदना पर था, लेकिन अब तो मैं ज्यादा जो हमें सही समझ सहज भाव और संबंध का भाव ही सहज स्वीकार है, तो उसी के अर्थ में भी मैं काम करना चाहती हूँ। कमिटमेंट में भैया मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकती हैं, तो अब तो अभी 2 घंटे का समय तो मैं लगाती हूँ भैया, स्वयं के समझ के लिए तो मैं पूरे समय लगा सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे अपने अंदर ही काम करना है तो उसको समय अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, हर काम को करते हुए भी मैं अपने आप को देख पाती हूँ। स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल सकते हैं। अब जब मैं स्वयं को समझने लगी हूँ, मेरा खुद के जब हमको ऐसा समझ में आएगा कि मेरे आचरण को मुझे देखते हुए लोगों को लगे कि आप क्या करती हैं और वो जानना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊंगी, लेकिन जब अभी मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लूंगी, अपने ऊपर काम कर लूंगी, तो मैं सबसे अपनी टीम के साथ या सोसाइटी समाज में परिवार में तो चलता ही है, तो मैं करूंगी। और कम से कम 2 घंटे का समय तो लगाते ही है, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो मैं अपना पूरा 24 घंटे ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ तो उस समय मतलब जीवन विद्या का ही मैं सोचती हूँ या UHP के बारे में भी ही मैं सोचती हूँ। तो मैं इतना ही मेरी आज की शेयरिंग है, और निष्कर्ष में तो मैं यही देख पाती हूँ कि मेरे मेरा सजग रहना, मैं पहले से बहुत सजग रहने लगी हूँ, है ना, सही समझ और सहज भाव के साथ पहले मैं सुनती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं उसके उसको अपने अंदर ही समझना चाहती हूँ, और मैं सहजता सजगता और सरलता के साथ निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहती हूँ और इसकी निरंतरता को बनाए भी रखना चाहती हूँ। धन्यवाद भैया, सभी को नमस्ते, इतनी ही मेरी शेयरिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा दीदी आपकी इस प्रेरणादायक शेयरिंग के लिए। जी जी भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपने सुबह का सत्र सुना है क्या भैया? नहीं, मैं पूरा तो नहीं सुन पाता हूँ। अच्छा, फिर भी अगर आप परिवार में जो परिवर्तन परिमार्जन दिखाई दिए हैं उसको लेकर अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, समृद्धि का भाव कैसे बढ़ा है, संबंध में आश्वस्ति कैसे बढ़ी है, समाज में भागीदारी कैसे बढ़ी है एक परिवार के रूप में, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। जी
जी भैया, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भैया, क्या है कि मैं शुरुआत में प्रारंभिक जब सर्विस में आया था तो उस समय मैं नागराज महाराज जी से मैं जुड़ गया था। उनके साथ मेरा समय जो है कभी कभी जो है घंटे 2 घंटे में बिताता था, तो बहुत सारी चीजें मुझे उनसे प्राप्त हो रही थी, क्योंकि मैं किनसे जुड़ गए खासकर थे? अपने जो इसके वो हैं अपने नागराज महाराज जी अच्छा, भाई, बढ़िया बढ़िया। तो उनसे मैं जुड़ा हुआ था। और हमारे एक साथी थे एन के श्रीवास्तव साहब, तो वो भी इसमें लगे हुए थे, तो मेरा संपर्क उनसे था। लेकिन क्योंकि मैं स्थानांतरण वाला जा रहा हूँ, ऐसी वर्किंग हमारी थी कि जहाँ कोई समस्या हो तो वहाँ मुझे भेजा जाता था, तो ऐसे सिलेक्टेड लोगों में मैं भी था। तो जहाँ कोई कोई न्यूसेंस हो रही हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ काम ना हो रहा हो, नए प्रोजेक्ट संचालित ना हो रहे हों, तो तत्काल हम लोगों को वहाँ भेजा जाता था। तो इस तरह से क्या है कि मैं हमेशा सामान लिए घूमता रहा और मैं कहीं स्थायी रह नहीं पाया। अब मुझे रिटायरमेंट के 7 साल हो गए हैं, और अब मैं अपने कृषि कार्य में भी लगा हुआ हूँ, कुछ करता रहता हूँ। और शेष समय, क्योंकि मेरे स्वभाव में ही था कि मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं होता था, किसी प्रभाव में नहीं रहता था, तो उससे तो हमेशा मैं उसमें आनंद में था, क्योंकि किसी के सुख सुविधाओं से भी प्रभावित नहीं होता था, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। और ये भैया, मैं सुनता तो रहता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में भी सुबह मॉर्निंग में मैं घूमने चला जाता हूँ, लौट के आता हूँ, तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत बैठ के सुनता रहता हूँ, तो ज़्यादा भी मैं इसमें वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन आगे मैं प्रयास करूंगा कि कुछ इसमें भी मैं आगे कुछ करूं। ठीक बढ़िया भैया, बढ़िया भैया ओके भैया, नमस्कार। जी जी भैया, सभी को नमस्ते। मेरा नमस्ते। आपका गला कैसा है अभी? गला काफी ठीक हुआ है भैया। अपने आप से इस बार अच्छा, मैंने तो कोशिश की है बढ़िया कि कोई दवा नहीं ली है, और मैं बिल्कुल भी आराम भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही शादी थी मेरी भांजी की। और ऐसा संयोग था कि मेरा मेरी भांजी है और मेरी छोटी बहन के भांजे के साथ ये संबंध हम ही लोगों ने कराया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये संपन्न हुआ है, जिसमें हम तीनों बहनें थे, हमारी बड़ी दीदी भी थी, दीदी जय जी भी थे, हम लोग सब। और एक ऐसा विवाह जो बहुत असंभव था, एक पक्ष बहुत ही संपन्न और एक पक्ष आर्थिक बहुत ही कम संपन्न, और ऐसे दोनों ही परिवार के बीच में असमानता होते हुए भी बहुत ही सहज और सरल तरीके से बड़े सम्मान के साथ यह संपन्न हुआ। तो इसमें यूएचबी का ही पूरा सहयोग भी रहा, कि मैं देख पा रही थी कि कैसे ये बड़ी सहजता के साथ इतना बड़ा काम, जो जिसमें पहले तो छोटे-छोटे से कामों में मैं अपने आप को असहज पाती थी, घर से बाहर समाज में जब फैलते हैं और देख पाते हैं कि चीजों को कि प्रतिकूलता और अनुकूलता से परे ध्यान जाता है कि यहाँ भी अपने में मैं अधिकांश समय सुखी बने रहते हुए और समाज में हमारी कैसी एक सहज और सरल भागीदारी होती है, क्योंकि जो ध्यान है वो तो मेरा अपने ऊपर बना ही रहता है कि मैं किसी भी प्रकार से कोई भी काम करूं, चाहे वो घर में हो या समाज में हो, परिवार में या प्रकृति या पूरे अस्तित्व पे जब ध्यान जाता है तो अपने को मैं देख पाती हूँ, और मैं देख पाती हूँ कि अपने परिमार्जन को कि बहुत ही अच्छा क्रमशः धीरे धीरे मुझ में जो परिमार्जन हो रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है, और मेरी सजगता और सरलता जो बढ़ रही है उसको मैं देख पाती हूँ कि मेरी गति काफी अच्छी है। और इसके साथ ही ये मेरे परिवार में भी जा रहा है, और मेरे पूरे परिवार में जो मेरा कुटुंब है कहें, उधर भी इसका वो हो रहा है। तो ये है शेयरिंग, मैंने एक दिन की थी पर मेरा गला खराब था, तो और गला खराब के साथ साथ नेटवर्क की सुविधा मैं कर नहीं पा रही थी। आज भी हम लोगों के मोबाइल सब डिस्चार्ज हैं, एक ही मोबाइल से हम जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं,
और करुणा दीदी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। अब मैं अभ्यास एक की बात करूं कि मैं अपने विकास के लिए जीवन और शरीर को जो भी व्यवस्था है, चूंकि ये सहज मुझे उपलब्ध है, इसको मैं दिन भर मैं भी देख पाती हूँ। और मैंने देखा कि मेरी दीदी इस बार बिल्कुल भी, उनके साथ कोई संवाद अभी तो नहीं हुआ 15-20 दिन 1 महीने से। वो पहले उनकी बेटी की बेटी हुई थी, उसमें लगी रही और उसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। मुझे लगता है हर अवसर को अगर हम देखें तो हम उसमें अपनी समझ को बढ़ाने में सहयोगी पाते हैं। तो ये इतनी बात है मैं अपनी यहाँ जो रख रही हूँ करुणा दीदी की शेयरिंग को लेके। जी भैया। बढ़िया जी बढ़िया भैया, दीदी, एक लाइन में जोड़ूंगा कि दीदी जिस हिसाब से परिमार्जन कर रही हैं और परिवार में ये बात जिस हिसाब से जा रही है, तो जो सेल्फ डेवलपमेंट से टीम डेवलपमेंट की ओर बात आ रही है उस पर भी कुछ काम शुरू हुआ है। और भागीदारी को हम लोग अब देख पा रहे हैं और भागीदारी को सुनिश्चित भी कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा परिणाम सामने आया है। इतनी ही बात मैं जोड़ूं, सभी को धन्यवाद। जी बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। अभी कितने लोग हो गए भैया जो आपकी साप्ताहिक बैठक में अभी आते हैं, या कुल संख्या जो आ सकते हैं? भैया लगभग सक्रिय जो परिवार होंगे वो 25 से 30 के बीच में है, और वो अच्छा, बहुत अलग अलग तरीके से हैं। मतलब कुछ सेंटर पर जो सेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, कुछ अपने घरों पे कर रहे हैं, और कुछ जो अपना परिवार है ये जो जहां है वो वहां से कर रहे हैं। लेकिन इनका आपस में कम्युनिकेशन जो है वो हमारा जो स्वत्व स्वतंत्रता और स्वराज है जी उससे लगातार बृहस्पति बार को बना ही रहता है। अभी 10 लोगों ने हमारे शिविर किया है कानपुर में, परिचय शिविर, उसमें मेरा बेटा अरुणोदय भी गया और अरुणोदय का बहुत अच्छा वो बना है। और साथ ही अभी 13 लोगों को हमने 2 आनंद ग्राम के लिए चयन किया था, तो उससे 13 लोग हमारे वहां प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, वो भी UHP का ही था। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीकों से हर सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रयास चल रहे हैं जिसके सुखद परिणाम है भैया। बहुत बढ़िया भैया जी, दोनों ही शेयरिंग अच्छी रही दीदी। तो करुणा दीदी परिवार से ही जुड़ी हुई है, और जी अच्छी बात यह है कि भैया, परिवार से ही हूँ मैं। कोई कुछ कह रहे हैं? जी जी नमस्ते भैया। हेलो, जी नमस्ते दीदी। परिवार समूह में भी जिस तरह का अवसर बना हुआ है, तो आगे बहुत ही सुखद संभावनाएं हैं, और उस पूरे समूह के लिए मैं कहूंगा कि एक एक परिवार को तैयार होना है, मजबूत होना है, एक एक व्यक्ति को एक रिसोर्स पर्सन के रूप में तैयार होना है। ये परिवार समूह फिर परिवार समूहों के समूह के लिए काम कर सकता है, पूरे क्षेत्र के लिए, नौगांव और छतरपुर के लिए काम कर सकता है। तो उस रूप में अपने को जी तैयारी बना के रखनी है। तो शुरुआत तो काफी अच्छी वहां हुई है, और अनुकूलता भी बनी हुई है, और भगवान भी अभी जिस तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं, तो उस पूरे कुनबे के लिए, समूह के लिए ही एक बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। उसमें भी जो करुणा दीदी ने आज इस तरह से शेयरिंग की है, पहले जब दीदी शेयरिंग की थी, मुझे लगता है एक बार और आपने शेयरिंग किया था, है ना, पिछले बैच में, हाँ, तीसरी ये तीसरी शेयरिंग है भैया मेरी। शेयरिंग। हाँ, तो आपके जी शेयरिंग में भी देख रहा हूँ क्रमिक रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। आज जी आपने इसको ध्यान में रखते हुए बारीकी से शेयर किया, तो भैया, आप एक बहुत स्टेप अच्छे लिया था। समझाते हैं, और उस समय तो मुझे पूरा ही समझ में आता है, मैं नोट भी करती हूँ। लेकिन इस बहुत ही समय कुछ बढ़िया व्यस्तता बढ़ी कि मैं जैसा करना चाहती थी इतना ज्यादा लिख लेती हूँ कि मैं छोटा करने के चक्कर में ही परेशान होती हूँ। बहुत ही बढ़िया दीदी। मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, उसमें भी अगर आप लोग मन बनाकर कभी जाएं, तो आंगनबाड़ियों में सिर्फ बच्चे ही नहीं होते बल्कि उनकी माताएं भी होती हैं, जिनके वो शिशु होते हैं। तो ऐसे समूहों में भी काम शुरू किया जा सकता है अगर अवसर हो। आपको दीदी अभी कुछ मतलब व्यावसायिक व्यस्तता भी रहती है दिन में, या कोई व्यावसायिक व्यस्तता नहीं है आपकी? जी, व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है, व्यस्तता भी है। मेरा अभी क्या, 4-5 साल पहले बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, तो अच्छा जी मैं काफी, मतलब 5 साल तो टाटा मेमोरियल में फॉलो अप में थी,
लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार का ऐसा सहयोग था, मेरे पति का इतना अच्छा मोटिवेशन था कि मैं आज इस रूप में आपके सामने हूँ। और तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बाहर नहीं, तो मैं पहले समाज सेवा के लिए बहुत ही उत्सुक रहती थी और जहाँ जिसको जरूरत होती थी वहां मैं अपनी भागीदारी करती थी, ऐसा मैं समझ पाती हूँ अब इस कंटेंट को सुनने के बाद। जो भी बढ़िया मुझसे, बढ़िया, जी, और तो आगे भी जो बनेगा वो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि अभी बच्चे ही, दोनों बेटियां वर्किंग हैं तो उनके बच्चों को ही देखना रहता है, अभी आएंगी, बाकी ऐसे कोई मेरी वो नहीं है, हमारी कोई व्यवसाय हमारे लिए तो नहीं, मेरे पति ही इन सबके लिए बहुत है, मैं कुछ नहीं ऐसा देखती, घर का घर संभालती हूँ। और जो साक्षी है भैया, मैं बता, आप कभी, मैं आपसे अकेले में बात करूंगी, मेरे भाई, मेरे छोटा और भाभी दोनों 2 साल के अंतर में चले गए हैं, वो अकेली है मेरे पास जो रहती है भतीजी, तो उसको ही संभालना है इस समय, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। जी, जी, बाकी जैसा आप जो कहेंगे वो जिम्मेदारी भी मैं, जो मेरे लायक होगी परिस्थिति जरूर करना चाहेंगे। को आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं तो जितना मुझे अभी सुनने में आया उसके आधार पर मैं रख रहा था कि परिवार समूह फिर किस तरह से आगे भागीदारी कर सकता है, परंतु अभी जिस तरह से आपने बताया तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, परिवार में बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है, उसके जी साथ जिस तरह से आप हाँ, भागीदारी करते हैं। जो मेरे लिए काम दिया जाएगा भैया और हमको लगेगा तो जरूर मैं सहयोग करूंगी भैया, जिम्मेदारी के साथ ही करूंगी, क्योंकि ये तो हमको आता भी है और अभी भी जहां भी जरूरत होती है तो ना चाहते हुए भी अपने स्वास्थ्य को भी एक किनारे करके मैं करती ही हूँ, ऐसा नहीं। अभी 7 दिन जो हमने शादी में लगाए हैं उसके कारण मेरा स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ हो गया है, पर हो गया, ठीक है, चलेगा। अब मैं समझने लगी हूँ भैया, मैं अपना संयम भी कर पाती हूँ, समझती हूँ कि हमको क्या नुकसान कर रहा है, उसके हिसाब से ही करती हूँ। और भैया आपके तो मैं बहुत कृतज्ञता कितना व्यक्त करूँ कि आप इतने अच्छे समझाते हैं, इतने सहजता शालीनता से, कि बहुत ही अच्छा लगता है। बढ़िया दीदी, बहुत जी भैया, सुंदर, तो बहुत अच्छी संभावना है। स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति अपने अंदर भी काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, और एक मतलब समूह के क्षेत्र के लिए बहुत उपकारी होगा। मेरी तरफ से आपको और पूरे परिवार समूह को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।